फिलीपींस की एक जेल में हथियारबंद लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले की आड़ में जहां करीब 150 कैदी जेल से फरार हो गए तो वहीं एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई। दरअसल कुछ अज्ञात बंदूकधारी फिलीपींस के किडापवन शहर की एक जेल में घुस आए थे, जिसके बाद बंदूकधारियों और जेल सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई गोलीबारी में जेल के एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई तो वहीं एक कैदी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हालांकि इस दौरान करीब 150 कैदियों को भागने का मौका मिल गया। बताया जा रहा है कि जेल में कैद 1511 कैदियों में से 150 कैदी भागने में कामयाब रहे हैं। ज्यादातर कैदी कंबलों की मदद से भागने में सफल रहे। किडापवन के पुलिस प्रमुख लियो की माने तो फिलहाल भागने वाले कैदियों में से दो को वापस गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि किडापवन शहर कोटावाटो प्रांत में है। इस जगह को विद्रोही मुस्लिम समूह का गढ़ माना जाता है। जेल पर हुए हमले में संदिग्ध मुस्लिम विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने इस हमले को एक सोची समझी साजिश करार दिया है। फिलहाल सेना के जवान और सुरक्षा कर्मी फरार कैदियों की तलाश कर रहे हैं तो वहीं उन लोगों का पता लगाया जा रहा है जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।